मैडम मैं झाग हूँ। ओहो किसके यार, वॉशिंग पाउडर के या टूथपेस्ट के? अरे भाई साहब मेरा नाम है झाग, आम पिलपिला है। अबे नाम झाग है थारा नाम? यार अगर माँ बाप की मति मारी गई हो, मतलब दिमाग अगर चल ना रहा हो, तो पड़ोसियों से जो है सजेशन ले सकते हैं। अरे मैडम मेरे पड़ोसियों ने ही मेरा नाम रखा था झाग, आम पिलपिला है। पड़ोसी ने? Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। देखिए मैडम बात यह है कि मेरी शादी को 3 साल हो गए। क्या बात कर रहे हो यार, 3 साल हो गए शादी को? मतलब 3 पूरे साल? अरे यार कमाल करते हो यार, शादी को 3 साल हो गए और तुम चौकी आए हो ऐसे खाली हाथ? कमॉन यार, मतलब लड्डू तो बनता है। लड्डू तो बनता है, समोसा तो सेकता है, कचौड़ी तो तलती है, पराठा तो बिलता है। तू एक काम कर यार, यहाँ मजाक ना कर पुलिस की नौकरी में वर्दी पहन के। तू झल्लू हलवाई के यहाँ मुंडू लग जा। तू फटा हुआ जो है बनियान पहन, एक गमछा डाल ले है, और वो गोपाल चड्डा पहन के घूमता रहे इधर से उधर अपना चाय की क्यालियां वगैरह लेके प्यालियां। Well bro, what is the matter is the, can I send you letter is the? देखिए दरअसल बात यह है कि मेरी जो बीवी है वो कैसी है? सुंदर है, गोरी है, थारी पोती जैसी है। कैरी ऑन। क्या है बीवी को, क्या हुआ है, क्या करा है बीवी ने? मैडम मेरी जब शादी हुई थी 3 साल पहले मैडम, तब मुझे क्या पता था कि आम पिलपिला है। मैडम मेरी जो बीवी है ना, वो एक नंबर की चटोरी है मैडम। मैडम उसको हर समय चटोरपंती सूझती रहती है। मैडम शादी के दूसरे दिन कहने लगी कि अजय सुनते हो, चलो एक काम करते हैं, अलीगढ़ चलते हैं, वहाँ के त्रिपाठी की जलेबी बहुत मशहूर है। अरे तो तुम अलीगढ़ गए? हाँ गया, आम पिलपिला है, अलीगढ़ गया। वहां से वापस आया तो दूसरे दिन कहने लगी, अजी सुनते हो एक काम करते हैं, लखनऊ चलते हैं, वहां के आकाश की कुल्फी बहुत मशहूर है, आम पिलपिला है। Well, तुम क्या लखनऊ गए इस द? अप्रैल के बाल आता है, मई इस द। दादाजी मैं लखनऊ गया, मतलब उसके बाद मठ, कानपुर, झांसी, ललितपुर, अतर्रा, बांदा, मतलब जहां की जो भी मशहूर चीज होती है वो खाने के लिए मुझे ले जाती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं पिछले 3 साल से यही कर रहा हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन मैं ट्रेन में अपनी बीवी के साथ पाया जाता हूँ, और इस चक्कर में मेरा काम काज सब कुछ ठप हो गया, आम पिलपिला है। अबे तो तू कह क्यों ना दे बे अपना मुंह खोल के अपनी मैसेज को कि देखो भगवान ऐसा है, तुम्हें ठुसवाने के चक्कर में मारी नौकरी का भट्टा बैठ रहा है। कहा मैडम, कहा मैंने, कई बार कहा मैडम, लेकिन आम पिलपिला है। मैडम वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैडम लड़ती है मेरे साथ, झगड़ती है, अरे मैडम मेरा बैंड बजा देती है, आम पिलपिला है। मैडम आप उसे यहाँ बुलाइए और यहाँ बुला के उसे समझाइए मैडम कि उसे अपने इस चटोरपंती को छोड़ना होगा मैडम, वरना उसके इस चटोरपंती के चक्कर में मैडम मेरे बैंक बैलेंस से लेकर घर तक सब कुछ उजड़ जाएगा, आम पिलपिला है। Well, mom. हमें करनी चाहिए इसकी सहायता हिस्सा, वरना फैल जाएगा रायता हिस्सा। ओके बुलवाओ, इसकी बीवी ना बुलवाओ। आम पिलपिला है। पेरिस का पता ना है, लेकिन बीवियों को बुलवाना हो और किसी की बहन को बुलवाना हो तो मैडम मम्मी जी बुलवा लिया जाए, वरना रायता फैल जाएगा और सारे बाकी और काफी जुड़ रहे हैं बुढ़ऊ के। वाह मजा आ गया। वेल मॉम आई थॉटिंग ही इज द वाइफ इज द। ओहो तू है वो झाग की रानी? रानी नहीं मैडम, मुझे कहो
ए शिवानी। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ शिवानी, मुंह में पानी आ गया। देखिए वो क्या है कि मुंह में पानी तो मेरे भी आ रहा है, एक बाइट दीजिए ना समोसे का थोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या तरीका है, क्या कर रही हैं आप? आपके पति आए थे यहाँ पे और उन्होंने कंप्लेन की आपके खिलाफ। ओ, वो झाग यहाँ भी आके घुल गया, मेरी इज्जत आके धुल गया, मुंह में पानी आ गया। अबे ओ रंग बिरंगी, थारे तो मुंह में आ रहा है पानी, पति के तो जो है आंखों से निकलवाए दे रही है, कानों से बहरा इमोशन जो है निकलने लीक हो रहे हैं रस्ते बदल बदल के उसके, ऑटो में और रिक्शा में और घोड़ा गाड़ी में, ट्रेन में, बसों में, कूल कैब्स में, है ले लेके डोल रहा है बस स्टैंड जो है, दुकानों पे दुकानें, कभी समोसे खिला रहा है, कभी चाट खिला रहा है, कभी मिठाइयां खिला रहा है, काम धंधे का भट्टा बैठ रखा बेचारे का। अबे काम ना करेगा तो कहां से खिलाएगा? वो सब मैं नहीं जानती मैडम, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर वो मेरी खाने पीने की चीजों की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? हाय हाय, मुंह में पानी आ गया। और रही बात मैडम दूसरी कि मैं चटोरी हूँ, तो मैडम मैं चटोरी वटोरी नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैडम बस खाने पीने की चीजों की मैं कुछ ज्यादा ही शौकीन हूँ बस। मैडम शादी से पहले मेरे डैडी जी मेरे खाने पीने की हर फरमाइश पूरी करते थे, अब मैडम शादी के बाद मेरे हस्बैंड का फर्ज है कि नहीं कि वो मेरी खाने पीने की हर फरमाइश पूरी करे? हैं? Yeah! मुंह में पानी आ गया। Well, baby. मैं क्या भाभी जी? क्या है? हैं जी? खुल के बोल ले। बेटी? ओह अब जो है बेटी कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई है, वैसे अगर पोती भी कह देता तो कुछ गलत नहीं था, लाजमी था। बट एटलीस्ट बुढ़ाऊ के मुंह से बेटी तो निकला किसी छोरी के लिए, इट्स अ डेवलपमेंट, इट्स अ के बोलते हैं उसको, गुड साइन। गुड साइन मैडम, गुड गुड, कैरी ऑन। अबे थारे बाप ने अगर बिगाड़ दिया तेने, पेम्पर करा, बिल्कुल स्पॉइल्ड ब्रेट बना दिया तेने, तो तू क्या चाह रही है कि पति भी बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके तेने पेम्पर करेगा? और नहीं तो क्या मैडम, मैडम मैंने कोई उनसे क्या पहाड़ मांग लिया? मैंने क्या उनसे ये कह दिया कि मेरे लिए ताजमहल बनवा दो आगरे में? ये 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 हाँ सुनो जी, मेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाओ। बस मैडम मैं उनसे इतनी तो रिक्वेस्ट करती हूँ महीने में 20-25 दिन कि सुनो जी आज सोमवार है, आज छुट्टी ले लो, आज चलते ना मथुरा, मथुरा के वो केसर वाणी जी के पेड़े कितने फेमस हैं। बस 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 ये क्या कर रही हैं आप, इतनी सारी खानों की चीजें का नाम आप लेते जा रही हैं, ये कोई तरीका हुआ? देखिए ऐसा ना हो कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और क्या ये ऊपर वाले ने इतनी खाने की चीजें बनाई क्यों, मतलब क्या क्या बना दिया है, मतलब ऊपर वाला बिना कुछ भी, मतलब समोसे और जलेबी और पेठा पेड़ा बालू चाई। देख सौ बात की एक बात ये है, मैं तेने प्रेम से समझा रही हूँ, बिकॉज टुडे आई एम इन गुड मूड, कि अपना ये जो चटोरा पंती की तुम्हारी हरकत है इस आदत को बदल डालो, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ये ठुसने और चटोरा एकदम ही जीभ लपलपाने के चक्कर में एक दिन भारी मुसीबत में पड़ जाओ। मैडम ये आप मुझे क्यों समझा रही हैं? हाँ समझाना है तो मेरे डैडी जी को समझाओ बुला के, है उन्हें बुला के समझाओ कि उन्होंने मेरे आज तक खाने पीने की हर फरमाइश पूरी क्यों की, उसी की वजह से मैं चटोरी टाइप हो गई हूँ मैडम। और वैसे मैडम अब ये आदत मेरी छूटने वाली है नहीं इस उम्र में, अब छूटेगी तब ना जब मैं छोड़ूंगी, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुंह में पानी आ गया। Yeah. अरे हाँ मैडम मुझे याद आया, यहाँ से 50 कोस पैदल चल के मुझे वो पप्पू के यहाँ के अजवाइन के पराठे भी तो खाने हैं। मुंह में पानी आ गया। अरे अरे सुनिए यार
इसका जो बाप है ना, जिसने इसे पैदा करा है, इस चाट की दुकान को, उसको बुलवाओ जरा। मैडम, मेरे पापा ने कभी मुझे इस तरह खाने को दिया ही नहीं, बस दो सूखी रोटी और बस। तो यो सेहत पड़ोसियों के प्रेम से बनी है? मैडम ये समझा नहीं। लव दाय नेबर, नेबर का प्यार, लव दाय नेबर, डोंट टेल एनीबॉडी। अबे कौन है बे तू, चौकी में हमें इस तरह नचा रहा है बे, कौन है बे तू? सर मैं पिंकू चाट वाला हूँ। तो तू चाट बना रहा है? सर नाचिए ना, मजा आ रहा था सर। मजा आ रहा है? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक मिनट रुक जा, एक मिनट ये निकाल और मजा देता हूँ। ये चौकी में हमें नचा रहा है ऐसे 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 करके, छोड़ूंगी नहीं हम तेरे को पिंकू चाट वाले। फिर आ गया चाट वाले, मिस चौटाला का रूप लेके फिर आ गया। लेकिन इस बार हम बनेंगे नहीं, इस बार हम बनेंगे नहीं, हम बड़े शाणे, हम बड़े शाणे, हम बड़े। सर आप क्या कर रहे हैं सर ऐसे? सर प्लीज सर, आप कई बार सर आप बहुत अटपटी बातें कर रहे हैं, मन में जरा टेंशन हो जा रहा है। गेट बरीड फॉर यू सर। सर मैं मिस चौटाला हूँ, और आर यू ऑल राइट? सेम एक्सेंट है, एक्सेंट भी बिल्कुल मिस चौटाला की तरह, वही हरियाणवी वाली एक्सेंट है। आप है मिस चौटाला, हम है कमिश्नर, बताइए अब क्या सर? आप कमिश्नर ना है सर, प्लीज सर, हमें बजरंग पांडे, हम आप तो सचमुच में मिस चौटाला ही है। यस सर। हम सॉरी, हम क्या नाम चौटाला, हम रात भर सोए नहीं ना, तो हम जरा कुछ भी मुंह से निकल रहा है। कोई बात नहीं सर, देखिए मैं क्या कह रही हूँ, देखिए नुक्कड़ पे ना एक बढ़िया चाट वाला आया है, पिंकू चाट वाला, उसकी चाट खाते हैं सर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एकदम जबान एकदम क्लियर हो जाएगी चटपटी चाट खा के। नहीं हम वो चाट नहीं खा सकते, वो चाट के बारे में हमने बहुत गलत वलत सुना है, वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक किस्म का इंसान नहीं, सच बोल रहे हैं हम आपसे। हाँ यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा योगर्ट निकला है, मेड इन इंग्लैंड योगर्ट, ओनली फॉर यू मिस चौटाला, लेट्स गो एंड हैव दैट। योगर्ट खाना पसंद नहीं करेंगे आप? विदेशी योगर्ट, देसी चाट ही पसंद है आपको, पिंकू चाट वाला? चलिए चलिए पिंकू चाट वाले के पास चलते हैं। अच्छा चलिए। स्टैंड डाउन साइड। मॉम 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 Mom, she's a father-in-law, is that? Oh, Uncle Ji, welcome, welcome to Chowki. Well, what is the name is the? Kanpur mein traffic jam is the? देखिए मैडम, मेरा नाम गप्पू घनघोर, मचा दूंगा शोर, घाटमपुर आने वाला है। मैडम क्या है कि मैं रेलवे में गार्ड था। और ये जो जबलपुर से चित्रकूट एक्सप्रेस जो लखनऊ चलती थी, उसी में मैं गार्ड था। हमीरपुर आने वाला है। बिटिया तुम्हारी इतनी चटोरी कैसे हो गई? देखिए हमारा नाम है गप्पू घनघोर, मचा दूंगा शोर। देखिए मैंने जो बता दिया एक बात, वो ये है कि हमीरपुर आने वाला है। अरे नहीं भाई, अरे रेलवे में मैं गार्ड था, और ये जो रेलवे है ना, ये हमारे घर की संपत्ति थी, बस वो हमको जगह जगह घुमाती रहती थी, बांधा आने वाला है। हाँ तो क्या था मैडम कि जब मैं जगह जगह घूमता था, तो वहां पर जगह जगह के हम पकवान खाते रहते थे। अरे क्या स्वादिष्ट पकवान होते थे। हाँ जैसे कि भीमसेन की कचौड़ी, अरे कानपुर के वर्मा जी की दालमोट, और उन्नाव के पांडे जी के समोसे, आहा लखनऊ के कबाब। अरे मैडम ये सब मैं जब खाता था, और जब मैं घर आता था, तो अपनी बिटिया से कहता था कि भाई बिटिया मैंने ये सब खाए, और तो हमसे कहने लगती थी, अपनी मैडम जिद पकड़ लेती थी कि पापा पापा आप अकेले ही खाए, हमको भी ले चलो ना खिलाने, और बस। हाँ और बाकी तो रेलवे तो आपकी संपत्ति थी ही, तो आप अपनी बेटी को ट्रेन में बैठा कर इधर उधर से दाल मोट और कचौड़ी समोसे और जलेबी ये सब अपनी बेटी को खिलाते घुमाते रहते थे, राइट? अतर्रा आने वाला है।
बताओ, आदत इन्होंने बिगाड़ी और धजा भुगत रहा हूँ मैं, आम पिलपिला है। बेसिकली बाप जो है चटोरा, जिसकी वजह से बेटी बिगड़ गई। देखो अंकल ये ऐसा है, बात यह है कि तुम्हारी जो लौंडिया है, तुम्हारी सुपुत्री यहाँ आई थी चौकी में, एक लाइन जो है एकदम काम की बोल गई कि भैया अगर तुम्हारे पति को मारे से इतनी तकलीफ, मारे चटोरापन की आदत से इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतना बैर है, तो क्यों करी उसने शादी मारे से। ये बात इन्होंने मुझसे छुपाई मैडम कि इनकी बेटी जो है वो एक नंबर की चटोरी है मैडम, आम पिलपिला, इन्होंने नहीं बताया। अब बताइए मैडम, ये हमारे दामाद जी हैं। अरे ये बात कोई बताने वाली है, है कि भाई हम जिस लड़के से अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं उसको जरा सा हमारी बिटिया के खाने पीने में बड़ी तकलीफ होती है। क्या जरा सा? हाँ। अब ओ अंकल जी, जरा सा नहीं, बसें ट्रेनें प्लेनें उड़ रही हैं, ये ले लेके घूम रहा है बेटी को तुम्हारे यहाँ से वहां, कश्मीर के काढ़ा से लेकर कन्याकुमारी के अप्पम और इडलियां तक पेल रही है बेटी तुम्हारी। या टेल हिम टू मेड घर में दाल चावल साग इज द, ताकि खुश रहे ये झाग इज द। हाँ, और अगर बना ही रही है तो उसको कहो कि साथ में थोड़ा पापड़ वापड़ भी रख के और चटनी रख के और रायता भी बना लेना, और बूंदी का रायता बनाओ यार, बूंदी का बहुत अच्छा होता है, और साथ में बना लो थोड़ा पुलाव, और अगर ये सब हो जाए तो हमें भी खाने पे बुलाओ। अरे देखो यार दमाजी, ऐसा है अब मैं जा रहा हूँ, और तुम एक काम करो, इटावा के लिए जो है टिकट कटवा लो, समझे ना। अरे हाँ, अरे छेदी लाल की गजब, कितनी गजब की होती है। अरे हम आते समय अपनी बिटिया से बोल दिए थे कि बिटिया ग्वालियर आने वाला है। अरे अरे यार, अरे अरे कुछ नहीं। अरे सुनिए मैडम, अब मेरा क्या होगा मैडम, आम पिलपिला है। थारा जो होगा बाद में होगा, फिलहाल इस चौकी के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनके आम मन ने पिलपिले करने। आ रहा है मैडम, आ रहा है, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टंचू टंचीला पंचू पंचीला एडिया आ रहा है। पंच खा के देगा तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। गुलगुले, यू आर ऑमलेट। अल्टीमेट, या दिस वन। सर मैं आपके लिए खाना बना के लाई, अपने हाथ से खा लीजिए। मैं चौटाला, आपने फिर से अपने हाथ से खाना बना के लाया हमारे लिए? मैं चौटाला, आप जब इतने प्यार से अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाकर लाते हैं ना, तो हमें किसी की याद आती है। किसी की याद? सर बहुत आती है, वो भी इसी तरह अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाकर लाती थी। ओ, तो कोई थी सर जो आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी? हाँ, अरे खाना बनाकर क्या, अपने हाथों से हमें खाना खिलाती थी। अरे चटाला क्या हुआ, आप खाना लेकर क्या जा रही, भूख लग रही है हमें। सर आपकी लाइफ में वैसी ऑलरेडी कोई रह चुका है जो, मतलब या कोई है जो आपके लिए अपने हाथों से खाना बनावे या खिलावे, तो सर बाय बेस्ट है ना, मैं उन्हें खिला दूं जो बेचारे वंचित हैं। अरे लेकिन वो तो अब यहाँ है नहीं ना, वो तो कहीं और है। हाय, आप है ना यहाँ पर अभी? अच्छा, तो मतलब वो यहाँ नहीं है तो मैं सेकंड ऑप्शन में कुक बन के जो है यहाँ आपको खाने खिलाती रहूं, केटरर बन जाऊं मैं, सर्विसिंग। मिश्रा ऐसी बात क्या कर रही है आप, आपका और उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ओहो, बात मुकाबले तक आ गई है, घना प्रेम दिख है आपको उससे। प्रेम? प्रेम तो हम बहुत करते हैं उनसे, सच में इतनी खूबसूरत है वो, जब वो हमारे सामने आती है और हमें गले लगाती है ना, मैं छोटाला आपसे क्या बताएं, गले लगाकर एक गाना सुनाती है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। थैंक यू सर, वेरी नाइस, थैंक यू। अरे मैं छोटाला, हम खुद नहीं गाएंगे, रिलैक्स करिए, हम हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनका, हम सुनाते हैं आपको। एक मिनट जाइए, आप जा नहीं सकते, मैं छोटाला एक मिनट, ये लिए सुनिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.